नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण इस माह का आ चुका है, यानी कि अगले माह अगस्त 2023 का लेटेस्ट आ चुका है। और इस बार जो इसमें टॉपिक लिया गया है वो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। और इसका प्राइस दोस्तों 125 रुपये प्रिंट है, लेकिन आपको ये 100 रुपीज़ का पड़ेगा। कहीं कहीं पर 5-6 रुपये का अंतर हो सकता है, वो जगह के कारण वो प्राइस वैरी करता है। यहाँ पर देख लीजिए, इस बार जो हल प्रश्न पत्र सिविल सेवा का है और उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ उसका हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, फिर बीपीएससी का भी मॉडल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम आपको इस मैगजीन से फटाफट रूबरू कराते हैं। और दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर इसी तरीके का एजुकेशनल वीडियो अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है दोस्तों, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य हो गया, नवीनतम सामान्य ज्ञान है, खेलकूद है, रोजगार समाचार है, फोकस हो गया। फिर यहाँ पर जो जो टॉपर्स टॉप किए हैं उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया उसके बारे में। फिर यहाँ पर आपको लेख मिल जाएगा पढ़ने के लिए। फिर आपको सार संग्रह हो गया, हल प्रश्न पत्र है यहाँ पर देख सकते हैं। फिर मॉडल हल प्रश्न पत्र है दोस्तों। फिर यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान हो गया आपका, और इसमें फिर बरसात समीक्षा 2022 संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो आया उसके बारे में है। और इस तरीके से ये मैगजीन दोस्तों आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर लेख है, बचिए कल पर निर्भर रहने के धोखे से, यानी कि दोस्तों कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। ये हमारे जो कहावत है काफी प्रचलित कहावत है दोस्तों, हमेशा काम को कल पर टालने का कोशिश मत कीजिए, कल कभी नहीं आता है दोस्तों। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या टॉपिक लिया गया इस बार, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और सब देख सकते हैं यहाँ पर टॉप जो 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 स्कूल कॉलेज है इंडिया में, भारत में, हर एक क्षेत्र में, हर एक, तो उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं आप मोटे अनाज के बारे में भी, इस साल जो हम लोग मोटे अनाज का वर्ष मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए, विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान है। QS रैंकिंग 2024 जो आया है उसमें कहा जा रहा है दोस्तों। तो पहला स्थान पर कौन कौन है, तो देख सकते हैं भारत में कौन कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका पूरा लिस्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो QS रैंकिंग 2000 में भारत का जो जो 10 संस्थान है उस सबका नाम यहाँ पर क्या क्या है और इसका ओवरऑल स्कोर क्या क्या, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं, और अगर आप अपनी से कॉपी में नोट्स भी जरूर कर ले दोस्तों। फिर यहाँ पर इसी तरीके से घटना है सब देख सकते हैं आप, इसी तरीके से करंट अफेयर्स आपको मिलेगा सब फटाफट, राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय आपको पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर ये छोटा सा देखिए, HDFC बैंक में HDFC का विलय हो गया है, तो एक जो बैंक था उसमें दोनों मतलब HDFC था ही, तो उसमें एक हाउसिंग डेवलपमेंट जो बैंक था वो अब HDFC बैंक में ही विलय हो गया है दोस्तों। फिर यहाँ पर नवीनतम सामान्य ज्ञान है, तो UCC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर यहाँ पर भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख बने हैं दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। फिर यहाँ पर त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, रवनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के नई अध्यक्ष, रवनीत कौर, याद रखिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों आपका आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। चलिए फटाफट हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे क्या क्या है तो आगे भी देख लीजिए यहाँ पर किनका किनका नियुक्ति हुआ है। तो एलन क्लास स्टीफन्स BBC की कार्यकारी अध्यक्ष, स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय रिजर्व बैंक में 4थे डिप्टी गवर्नर के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। और गीता प्रेस जो कि गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। गीता प्रेस काफ़ी पुराना प्रेस है दोस्तों, और इस प्रेस को ही इस वर्ष का गांधी शांति पुरस्कार मिला है, लेकिन इस संस्था ने कहा है कि इस पुरस्कार की जो राशि है इसको हम नहीं लेंगे दोस्तों, और कारण भी यहाँ पर बता दिया गया है, तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप, यही है गीता प्रेस का फोटो है, ये सब नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। NTPC लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्य स्थल का पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी मिला है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किनको मिला है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हो गया इसी तरीके से। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार इनको भी मिला है, नर्सिंग के क्षेत्र में मिला है ब्रिगेडियर उर्मिला अमिता देवरानी जी को, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसमें किसको मिला है दोस्तों जल के मामला में, तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश को मिला है दोस्तों। फिर यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, और लंदन में ही ये पुरस्कार दोस्तों मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, दिस इज वेरी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
करंट अफेयर्स। फिर यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र मिशन ने प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों के लिए डैग हैमरसोल्ड पदक बताया उसके बारे में। फिर यहाँ पर किनका किनका निधन हुआ है तो यहाँ उनके बारे में भी दे दिया गया है। यहाँ पर दिवस सप्ताह जो जो मनाया गया है जून में, तो सब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप इसी तरीके से। फिर यहाँ पर जो जो लेटेस्ट बुक है उसके बारे में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। फिर ये मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और ये सब जो दिवस है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किनका किनका निधन हुआ है दोस्तों वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा रहा है, और राइटर्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे अपनी कॉपी पर एक जगह नोट जरूर रखिएगा, ताकि एग्जाम के समय में फटाफट एक बार आप रिविजन कर ले। फिर यहाँ पर देखिए G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। फिर यहाँ पर जो तूफान आया था बिपरजॉय, उसमें भारत का क्या स्थिति था, भारत में कहाँ कहाँ पर आया था, उस सब के बारे में यहाँ पर मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो खेलकूद हो गया, खेलकूद से भी 1 से 2 क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, भारत दूसरी बार इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता बना है। फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीतकर सर्वाधिक 23 ग्रांड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड जोकोविच ने अपने नाम किया। तो जोकोविच काफी फेमस खिलाड़ी हैं टेनिस के दोस्तों, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023, इसमें पुरुष में कौन कौन विजेता रहा वो सब भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग है, रजत पदक कौन कितना जीता है, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा। भारतीय नौसेना का अरब सागर में बृहद अभ्यास हुआ है दोस्तों, तो उसमें क्या नाम था अभ्यास का, तो वो नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप इसी तरीके से। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रोजगार समाचार आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा 2023 के बारे में मार्गदर्शन किया गया है कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है, तो वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है, किस किस कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसका क्या क्या स्कोर रहा है पिछले वर्ष में, तो वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये सब आपका लेख हो गया। यहाँ पर भी जो टॉपर स्टॉप किए हैं उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। फिर यहाँ पर विश्व परिदृश्य हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर आपका ये राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हो गया, तो इसको एक बार देख लीजिए, वीडियो आप पॉज करके इसे देख लीजिएगा एक बार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको एक जगह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको वन लाइनर के रूप में मिल जाएगा, तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। ये आपका राष्ट्रीय हो गया, इधर पलटेंगे फिर आपका थोड़ा सा और राष्ट्रीय है, फिर उसके नीचे दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय में आपका टोटल 12 करंट अफेयर्स हो गया अंतर्राष्ट्रीय में, और राष्ट्रीय में 12 करंट अफेयर्स, यानी कि टोटल 24 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो इसे अपने कॉपी पर आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को आप समझ रहे होंगे, और इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिव्य दर्पण हो गया, संघ एवं राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वो सब यहाँ पर भौतिक भूगोल से कुछ क्वेश्चन मेंस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर साथ में उसका आंसर किया जाता है दिव्य दर्पण में। इसी तरीके से आपका ये जो है ऐतिहासिक स्थल है, ये सब जो कहाँ कहाँ है, फिर ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं ऐतिहासिक स्थल, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस बार हर एक बार का कुछ ना कुछ अलग अलग टॉपिक इसमें रहता है। फिर यहाँ पर नया भारत का नया संसद भवन अभी जो बना है उसके बारे में यहाँ पर है, उसका लागत कितना है दोस्तों, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो संसद भवन से है उसे भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि जो भी एग्जाम होगा तो वहाँ करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब लेख हो गया आपका, जनमत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, महिलाओं की सीमित प्रतिनिधित्व, ये सब जो है, पर्यावरण की सुरक्षा और पोषण में मोटा अनाज। फिर यहाँ पर सार संग्रह में आपका कुछ क्वेश्चन पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का रहता है, फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारत में विश्व का भूगोल, इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन भी यहाँ पर रहता है दोस्तों। और टोटल आपका कंप्यूटर ज्ञान का भी टोटल 119 क्वेश्चन इसमें रहता है, और कुछ क्वेश्चन आगे भी दिया गया है दोस्तों। फिर सामान्य अध्ययन जो एग्जाम हुआ है उसका, उसके बारे में जो परिच्छेद है उसका यहाँ पर सीसैट का इस बार लिया गया है, इसमें द्वित प्रश्न पत्र है, देख सकते हैं आप, हल प्रश्न पत्र है, और इस तरीके से लास्ट में फिर आपका आगामी BPSC परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है, तो हल प्रश्न पत्र दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस करें। और BPSC का फॉर्म भराना शुरू भी हो गया दोस्तों, तो अगर आप लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं खास करके BPSC में, तो 15 जुलाई से इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं।